हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फंडा रिएक्शंस। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अमर। मेरा नाम अली रजा। हम चारों पाकिस्तान से। और दोस्तों, आज जो है ना, गदर 2 मूवी जो सनी देओल की है, उसका ट्रेलर आ गया है। हमने कंप्लीट गदर 1 देखी थी, और क्या उस मूवी में यार, हमें मज़ा आया था एकदम। मतलब इंडिया पाकिस्तान की पूरी जर्नी दिखाई थी, किस तरह आज़ादी हुई थी, दंगे, ये वो। तो सनी देओल ने बहुत अच्छा वो रोल निभाया था। अभी वो मेरे ख्याल में 20 साल बाद ये गदर 2 बना रहे हैं, तो भाई देखना तो बनता है आखिर इसमें ये क्या करते। टीजर भी हमने देखा था, बोला था ना दामाद आएगा इस बार लाहौर को, पाकिस्तान का दामाद। तो देखते हैं भाई ये क्या होता है। अभी प्ले करें? हाँ भाई, प्ले करो। देखे तो सही, लाजवाब। बड़ी बेसब्री है भाई गदर 2 देखने के लिए। अगला चुप्पा जंके आसार हैं तारा सिंह जी, बैकअप की तैयारी करना चाहता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਕਤ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਆਪਕੀ ਕੇਅਰ ਬੜਤੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਬੜਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਮੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆ बड़े मौके पर आया है तू। आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। ऐसे तड़प रहा होगा तेरा बाप भी तेरे लिए, तुझे बचाने जरूर आएगा। हमें हमारा जीते चाहिए तारा जी। तू फिक्र ना कर, मैं जीते नु वापस लेके आऊंगा। क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना मेरा बापे यहाँ ना, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना, तेरे इतने चीथड़े करेगा तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। यार ये पाकिस्तान में रिलीज करो, हम जरूर देखेंगे इस मूवी को भाई। हमने तो ये गदर 1 भी अभी देखी, हमें तो गदर का कुछ पता ही नहीं था। ये तो हमारे दोस्तों ने बोला भाई देखो, आपको कुछ पता चले इंडिया पाकिस्तान का। बाकी यार अमरीश पुरी जी की भी याद आ रही थी यार, वो भी बड़े कमाल के एक्टर थे। बट जो जिसने भी ये जो रोल निभाया विलन का, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खासतौर पर सनी देओल भाई, क्या एक्टिंग है भाई, शेर आ रहा है। यकीन मानिए ना, मज़ा आ गया जब उनकी एंट्री हुई थी। बोल रहे हैं कि जो आधे पाकिस्तानी वो हिंदुस्तान आ जाएंगे अगर मौका मिले तो। भाई सारा कुछ इनमें इन्होंने मतलब परफेक्ट बनाया एकदम। हाँ भाई मजा आ गया, यकीन मानिए, गूज़बम्प्स ही गूज़बम्प्स थे। ब्लॉकबस्टर जाएगी मूवी भाई ये, क्या बात है, मजा आ गया। गदर 1 ने ही हिला डाला था, 20 साल के बाद गदर 2 आ रही है। वहीं पर पहले गदर में तो अशरफ अली खान साहब था, मगर इस मरतबा तो एक मुछड़े पुलिस फौज वाला भाई साहब। बाकी सनी देओल भाई जी की क्या एंट्री थी, इतना बड़ा हथौड़ा लेकर आए, एक फौजी को मारा, उसकी गर्दन ही तोड़ दी। तो भाई गजब भाई हिला डाला। बस लास्ट में वो पंप देखा था, हम डर गए फिर से ना उखाड़ दे। बाकी क्या लाजवाब भाई, टीजर है जो भी है भाई, मजा आ गया देखकर।
मूवी हम जब भी आएंगे देखेंगे दिलो जान से भाई। यार ये तो मुझे भी लगता है भाई, ये तो सुपर डुपर हिट होगी, ये इंडिया की ये नंबर वन मूवी बनेगी यार। ये पाकिस्तान में आ रहा है फिर से सनी देओल भाई, तारा सिंह और फिर से वही रूप भाई। अब तो भाई पूरा गब्बर लग रहा है मुझे तारा सिंह भाई, ये मुझे लगता है पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेगा। अब तो बार अपने बेटे के लिए अब की बार जंग होगी भाई, और फिर से भाई आज तो भाई हमने देख कर हमारी आंखें खुल गई। हमने आज क्या देख लिया, जैसे लाहौर में कदम रखा और पुलिस फोर्स के आगे भाई सनी देओल खड़ा हो गया ना भाई, आज तो हम तो इस ट्रेलर में ही खो गए। अब तो मूवी का इंतजार है भाई 11 अगस्त का। तो भाई आमिर भाई आपको कैसी लगी? भाई तारा जी ने हिला दिया पूरा मुझे तो। आज तो हथौड़ा भी लेकर आया, हैंडपंप को छोड़ो हथौड़े से उड़ा रहा है भाई साहब। ये गद्दर ना वाकई में गद्दर मचाएगी। ओ मैं निकला गद्दी लेके, यार वो गाना भी अच्छा है, वो बहुत अच्छा लगे। अगर मूवी हमें भी मिल जाए ना तो हम भी देखेंगे। हमें देखना है ये सनी जी जो आते हैं अपने पाकिस्तान में क्या करते हैं भाई साहब। बहुत ये मूवी एंटरटेनिंग होगी, तो ज़रूर देखेंगे हम। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारा गद्दर वाला रिएक्शन देखना है तो उसका लिंक मिल जाएगा, वो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर पूरी गद्दर मूवी पड़ी हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। हमने बहुत इन्जॉय किया था उसमें, ख़ासतौर पर वो सीन तुम्हें इस्लाम कबूल है कबूल है पाकिस्तान जिंदाबाद, बड़े नारे लगे थे उस मूवी में। इस बार देखेंगे क्या नारे लगते हैं। बाकी अशरफ अली की मुझे याद आ रही है भाई, अमरीश पुरी की लेजेंड थे ना बिल्कुल यार। तो देखते हैं भाई क्या होगा। बाकी उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।